हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 की चार्जिंग सप्लाई के बारे में कि इसकी चार्जिंग सप्लाई कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पर, जो इसका कनेक्टर है उस पर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है और ये हमारी सप्लाई है, बीवस की सप्लाई है हमारी, और ये हमारे DMDP की सप्लाई है, दोनों के दोनों। तो सबसे पहले देखते हैं बीबस की सप्लाई, जिसमें 5.2 वोल्ट मिलेगा। इसका यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही तो यहाँ से जंपर कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है उसके बाद यहाँ पर, और एक कैपेसिटर यहाँ है। उसके बाद ये हमारा इस IC में है, ये हमारी OVP IC है। उसके बाद चलते हैं आगे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर है, उसके बाद ये कॉइल दिया हुआ है, कॉइल के बाद ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। उसके बाद ये हमारा इस IC में, ये हमारी चार्जिंग IC है, और यहाँ से ये हमारी BPH पावर की सप्लाई है, कॉइल बीच में दे रखी है, और ये कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद सीधा ही वापस इसी IC में है, और यहाँ से ये हमारा आउटपुट निकलता है 4.2 वोल्ट ये यहाँ कैपेसिटर पे। उसके बाद चलते हैं यहाँ से आगे, ये देखिए यहाँ पे छोटा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाद ये यहाँ पे डायोड दिया हुआ है, उसके बाद ये यहाँ पे इसका पॉइंट है, और उसके बाद ये बैटरी कनेक्टर के प्लस पर है। यहाँ पे आपको 4.2 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ पे वोल्ट 4.2 नहीं आ रहा है तो आगे से सप्लाई से चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप जंपर दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारी वेट ऑन सप्लाई है, ये यहाँ से, और ये हमारी यहाँ से होते हुए ये रजिस्टर दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद ये यहाँ पे एक रजिस्टर है, उसके बाद ये हमारी पावर IC में है, ये हमारी पावर IC है। अब देखते हैं अपनी ID की सप्लाई, ये हमारी ID की सप्लाई है, यहाँ से ये रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ से आप जंपर कर सकते हैं, और ये सप्लाई नहीं मिल रही है तो फिर चलते हैं आगे। फिर हमारी ये सीधा CPU में जाती है इसकी सप्लाई, ये हमारा CPU है। अब देखते हैं DMDP की सप्लाई, ये देखिए, ये हमारी DM और ये हमारी DP की सप्लाई है। DM की सप्लाई यहाँ पे एक रजिस्टर है, और ये DP की सप्लाई में भी यहाँ पर रजिस्टर है, ये दोनों सप्लाई नहीं आ रही है तो यहाँ रजिस्टर से आप जंपर कर सकते हैं। फिर चलते हैं आगे, दो पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं इसके, यहाँ पे आपको सप्लाई मिल जाएगी इसकी। फिर ये यहाँ पे जॉइंटिंग रजिस्टर है दोनों, और इसमें भी जॉइंटिंग रजिस्टर दिए हुए हैं ये। उसके बाद ये हमारा सीधा CPU में जाती है दोनों सप्लाई है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।